Hey everyone, this is Akshat back again with a new video. So I hope guys आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना। तो भाई अभी प्लान देखो कुछ ऐसा है, कल मैं गया था एक मॉडलिंग के उसके लिए, मतलब जहाँ मैं ऑलरेडी मॉडलिंग पहले से बहुत टाइम से कर रहा था, बट वट आई एम थिंकिंग नाउ कि थोड़ा सा स्किल्स को और इम्प्रूव किया जाए, थोड़ी सी और अपने ऊपर और ज़्यादा काम किया जाए। तो उसके लिए मैं गया था कल एक जगह पे जहाँ पे मेरे को एडमिशन लेना है अभी, मतलब जिसमें मेरे को थोड़ी सी एक्टिंग की स्किल्स एड ऑन होंगी और थोड़ा सा और मॉडलिंग के बारे में पता चलेगा थोड़ी डिटेल्ड में। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि अभी मतलब थोड़ा सा अपनी बॉडी पे काम और करना है। अभी हुआ क्या है, अपन बल्किंग कर लिए, लीन गेनिंग कर लिए, ठीक है। शेड मैंने बहुत पहले किया था, अभी फ़िलहाल तो नहीं किया है बहुत टाइम से, बट अब वेट है मेरा करंट 78, इसको ड्रॉप करके ले जाना है 72 पे और खाली फैट लॉस करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि फैट लॉस के साथ साथ मेरा मसल लॉस भी हो, इसलिए मैं अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखने वाला हूँ, कैलोरी इंटेक थोड़ा आगे पीछे करता रहूँगा मैं। और अभी आने वाले एक डेढ़ महीने में, जैसे अभी तो मैं बाहर जाऊँगा 7-8 दिन बाद, मेरे को थोड़ा बाहर जाना है, लखनऊ जाना है। तो लखनऊ में थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है कि खाना उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप ट्रैवल करते रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ट्रैवलिंग में निकल जाता है, तो खाना उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो सोच रहा हूँ वहीं पर डेफिसिट अपना चालू रखूँगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है अपना, हाफ ऑफ द डाइट मैनेज कर लेता हूँ, बट हाफ ऑफ द डाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अभी करंट वेट है मेरा 78 के अराउंड और इसको कट करके अपन ले जाएंगे 72 पे। और आज की वीडियो में अभी आपको अपनी कंडीशन दिखा दूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं एक महीने बाद स्ट्रेट करके कैसा होगा। और थैंक यू सो मच भाई लोग लास्ट वाली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मुझे अच्छा लगा देख के कि आप लोग को रॉ व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि एक लाइक माइक्रो पेज के हिसाब से मेरा इतना अच्छा व्यूज़ रॉ व्लॉग पे आएगा, बट मुझे समझ में आया कि आप लोग को भी डायरेक्ट कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद है। और भाई फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बताऊंगा। बाकी आज का ये सीन है, अभी चलते हैं जिम में वर्कआउट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए अपना टाइम थोड़ा चेंज करूँ, दोपहर में जाया करूँ, क्योंकि मेरे को वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी होती हैं और वो हो नहीं पाती हैं, शाम में बहुत भीड़ रहती है ना, इसलिए दोपहर में चलता हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा शॉर्ट्स और ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा शोल्डर के वर्कआउट के लिए, जिससे कि आपको मैसिव रिजल्ट्स मिले, ठीक है। कुछ अच्छे टैंक टॉप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को समझा रहा हूँ कि डिस्मॉर्फिया वगैरह कुछ नहीं होता, काम करो चीज़ें सही हो जाएंगी। ये हालत है मेरी अभी की, बल्क में हालत ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है, एब्स बहुत हल्के फुल्के। अब अभी जो हम लोग प्लान्स फॉलो करने वाले हैं अपना डाइट और ये सब मिला के, उसमें वस्कुलैरिटी पे भी बहुत ध्यान देना है, जिससे कि वस्कुलैरिटी अच्छी होनी चाहिए, फेस कट अच्छा निकाल के लाना है, स्किन अच्छी निकाल के लानी है, और पानी भी मैं कम पी रहा हूँ आजकल, तो ये भी एक रीज़न है। ग्रो करेंगे साथ साथ में, ग्रो करेंगे। सोचा था खाली होगा साले, तो पूरा भरा पड़ा है आज, दोपहर में भी लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। कोई नहीं, अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना शोल्डर वर्कआउट, बिना टाइम वेस्ट किए तुमको हनुमान जी के दर्शन करवा दूं। भाई ये मेरे जिम की बेस्ट चीज़ है, जय श्री राम, चरण स्पर्श कर लो। शोल्डर वर्कआउट के लिए बेस्ट वार्म अप है हनुमान पुशअप्स, आप नॉर्मल शोल्डर रोटेशन वगैरह कर लो सब कुछ, उसके बाद इफ़ अगर हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो आपका वार्म अप अच्छा होना ज़रूरी है। हैवी लिफ्ट करते हो तो उसके लिए बता देता हूँ, शोल्डर रोटेशन, दूसरा हनुमान पुशअप्स, तीसरा दिखाता हूँ। पहले हनुमान पुशअप बता दूँ कैसे करने हैं, देखो ये अपने नॉर्मल पुशअप्स, ठीक है, ये है हनुमान पुशअप, चले बाजी, हाँ क्या कितना हुआ, ये तो वार्म अप कर रहा हूँ तो 20-20, वैसे इसके 40-40 जाएंगे, नॉर्मल पुशअप्स के 100, मैंने 2 सेट किए हैं इसके, वैसे क्रिएटिन भी वर्कआउट में इतना कम से कम भर लेता हूँ, बट अभी जैसे थोड़ा लंबा वर्कआउट करने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, अब अकेले में टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, तो इस चक्कर में उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जल्दी से थोड़ा इतने 200 ml पानी में ही भर लिया, प्री वर्कआउट और क्रिएटिन दोनों मिक्स करके लेता हूँ मैं, फिर
अभी बीसी डबरे डाल लूंगा इसमें, गर्मी बहुत हो रही है भाई, हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। थर्ड के लिए पहली प्लेट लगा के उसको अपने एल्बो के सामने, एल्बो के सामने रहेगा ठीक है। अभी छू छू सेम दूसरे हाथ से भी करना है, कोशिश करना पूरा पूरा खोलना पूरा इधर, बट एल्बो स्टेबल रहना चाहिए। पहला सेट लेते हैं 20 का वार्म अप सेट 20। तुम लोग को वर्कआउट सुनते वक्त कौन से गाने पसंद है कमेंट में बताओ। मैं तो सिद्धू पाजी के सुनता हूँ कभी कभार, मतलब मोस्टली सिद्धू पाजी के सुनता हूँ, सिद्धू पाजी दिलजीत पाजी। चल भाई इजी गया, 30 हो गया, चलते हैं 40 के लिए। चल भाई 40 डन, जाएगा 45, कितना रेप जाना चाहिए, थोड़ा सांस ले लें यार, इसमें स्पॉट लेंगे। आहा, जिस डंबल को कोई छूता नहीं उसमें मैं रेप्स मारने की कोशिश करता हूँ, मेल ईगो है ये, ईगो लिफ्टिंग मत करना भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं बस। अभी लेते हैं 45, शिव तांडव सुनते सुनते। Lift up, leave. The लगेगा हल्का, कुछ समझ फट गई भाई, फट गई। डिसमॉर्फिया दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिव तांडव में बहुत ताकत है भाई, 45 उठाना बड़ी बात नहीं है, रिरैक करना बड़ी बात है, बोल दे रहा हूँ। देखो हो गया रिरैक, ऑब्वियस है ना गाइस, जब उठा सकते हैं तो फिर रिरैक तो कर ही सकते हैं, इसी भरोसे को छोड़ के जाना। अभी लेते हैं लैटरल रेजेस, हालत तो बहुत खराब दिख रही है इसमें, शर्ट पे निकालेंगे तगड़ी फिजिक। मैं कह रहा हूँ मजे तो उस दिन आएंगे जिस दिन कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे, कैमरे नहीं है भाई। 12:30 डन, 15-17 तक जाता हूँ वैसे मैं, मुंह को इग्नोर करना भाई। अभी 17 थोड़ा सा हैवी पड़ता है तो 17 फ्लो के साथ लेता हूँ, है ना। अभी ले लेते हैं अपन, अरे बारबल ओवर हेड प्रेस, पता है पहले मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत शर्म आती थी कि अरे यार चार लोग बैठे हैं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जैसे जैसे इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया ना और समझ में आता गया कि मुझे यही करना है, तभी ये समझ में आया कि अभी चार लोग क्या बोलेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए ना तो वो जो 40 लोग हमारे माँ बाप को और हमको बोलेंगे ना उससे फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ेगा। शर्म का क्या है यार, एक बार करना स्टार्ट करोगे शर्म खत्म। मैं कुछ गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड वैल्यू लोगों की लाइफ में, आई डोंट थिंक कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिससे मेरे को शर्माना चाहिए, जिससे मेरे को डरना चाहिए। 15 के बाद 10-10 ले रहा हूँ,
अभी कितना ऐड करूं? स्ट्रगल तो उसमें भी तगड़ा हो रहा था भाई। आम थोड़े अच्छे हो जाए ना मेरे, दुख दुख है एक, बट आई होप कि अब जो शेड करने जा रहा हूँ इसमें अच्छे हो जाने चाहिए। पता है पहले मैं देखता था, जब मैं जिम में रहने आया था ना, तब मैंने देखा था कि कोई भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं करता है, और अब देख देख के लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा लगता है कि आप पहले हो जिसकी वजह से लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो निपट गया होता। शोल्डर देखो, हम देखो, क्या है ये तो गया भाई, शहीद हो गया। बच गया मेरा फोन गले के चक्कर में, वो देखो एक वो पड़ा टूट गया, ये मैं पड़ा। इससे काम चलाएंगे, अब काम नहीं रुकना चाहिए। सही काम कर रहा है, कर रहा है। अभी देखो, मैंने बताया था कि मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप शोल्डर्स को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। देखो मेरे आर्म, मेरे बॉडी में ना दो ही चीज़ें अच्छी हैं मेरी, मतलब आर्म्स को छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक है, बट शोल्डर्स मेरा थोड़ा प्लस पॉइंट है। देख लो शोल्डर विड्थ ज़्यादा है, तो मैं जो एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ उसमें पहला शोल्डर प्रेस, ओवरऑल शोल्डर मेरा हिट हो रहा है, सेकेंड लैटरल रेजेस, थर्ड मैंने लिया था मिलिट्री प्रेस बोल सकते हो इसको, या फिर बार्बल ओवरहेड प्रेस, मैं बार्बल ओवरहेड प्रेस बोलता हूँ। ये आपके शोल्डर्स को 3D डेफिनेशन देने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा मैंने जो अभी प्लेट्स के साथ किया था आगे के लिए, वो मेरे फ्रंट के लिए हो गया। इसमें ये है कि मैं ऊपर ला रहा हूँ तेज़ी से, बट नीचे बहुत स्लो ले जा रहा हूँ रियर डेल्ट्स के लिए। इसके अलावा एक लूँगा खाली श्रग्स, पूरी नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। इसके बाद एक श्रग्स का दिखा के फिर अपन घर चलते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी खिंच गई होगी मेरे ख्याल से। प्रेस कितना सही लग रहा है इसमें। शर्ट्स के लिए वेट को वाइजली चूज करना, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं। तो मैं ले रहा हूँ 30, थोड़ा सा बेंड हो जाओ अभी, स्लो डाउन। इतना इंगेज रखोगे ना उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। कितना भी श्रेड हो, कितना कुछ भी हो, बट अब की बार आर्म्स तगड़े करने हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। बहुत कम, बहुत मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, थोड़ा सा कोर करता हूँ, फिर चलता हूँ घर, घर पे जाके बात करता हूँ आपसे। तो भाई घर आके मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ली है अभी जस्ट, और मैं सोच रहा था कि जो मैं ये रॉ व्लॉग्स डाल रहा हूँ कि आप लोग को पसंद आ भी रहे होंगे कि नहीं। मतलब कि लास्ट वाली वीडियो पे तो अच्छा रिस्पांस आया, बट ऐसा है ना कि कई लोग ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं आप लोग ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे ऐसा कुछ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि इफ़ इन व्लॉग्स को मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। देखो रॉ व्लॉग का रीज़न बस यही है ताकि मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर पाऊँ,
बट अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी, अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगेंगे, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता वो चीज़ बनाने का। बाकी शेडिंग मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और आई होप कि शेडिंग में मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले, मेरे एब्स और ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। और बाकी जॉ लाइन वगैरह थोड़ा शार्प करना है, हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद काफ़ी शूट्स वगैरह स्टार्ट करने वाला हूँ वापस से मैं। अब बहुत हो गया रेस्ट, अब थोड़ा काम करने का टाइम है भाई, वापस थोड़ा काम करते हैं अपने ऊपर, चालू करते हैं चीज़ें। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करिए, आप डीएम करिए, ये मेरा इंस्टा पेज है, आप यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, नहीं तो फिर आप मेरी कोई भी जो करंट वीडियो, जो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता रहता हूँ वहाँ पे, अदरवाइज आप उसमें मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। बाकी आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर दबा देना। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉकिंग कीप हसलिंग।